आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मोलर मास 108 ग्राम पर मोल, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मोलर मास कितना है 108 ग्राम पर मोल। उसमें उसने बोला कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन है उसमें, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, मोलर मास दिया हुआ है 108। इनका रेशो कितना है, ये है 9:1:3.5। बाय मास इनका रेशो दिया हुआ है, बाय मास इनका रेशो दिया है, फॉर्मूला बताना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आप पहले तो मास का रेशो दिया हुआ है, मोल्स का रेशो निकाल लेते हैं। तो 9 अपॉन कार्बन का हो जाएगा 12, सो ये हो जाएगा 3/4। हाइड्रोजन का तो 1/1 तो हो जाएगा 1, नाइट्रोजन का 3.5 35/10, 3.5 को लिख सकते हैं, सॉरी 7/2, 7/2 लिख दूँ अगर मैं 3.5 को, तो मास हो गया 7/2 और नाइट्रोजन का मास होता है, मोलर मास होता है 14, ठीक है 2, सो ये हो जाएगा 1/4। तो इनके मोल्स का रेशो निकाल लिया, सो कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन, सो कार्बन के मोल्स है 3/4:1:1/4, तो मोल्स के रेशो आ गया। मोल्स के रेशो से क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो अगर पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हो जाएगा 3:4:1, सो ये बेटा मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो जाएगा मोल्स का रेशो 3:4:1, सो मोल्स के रेशो से क्या आ जाएगा, C3H4N, है ना। सो मोल्स के रेशो से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया C3H4N, मोल्स के रेशो से ये क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला, लेकिन मेरे को बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइम्स एन, है ना। सो एन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास तो गिवन है 108, एम्पेरिकल फॉर्मूला से अगर मैं मास निकालती हूँ तो 3 कार्बन का 12 × 3 + 4 + नाइट्रोजन का 14, तो कितना हो जाएगा 36 + 4 = 40 + 14 = 54 हो जाएगा, है ना। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हो गया 54, सो एन की वैल्यू आ गई 2, है ना, तो एन की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना था C3H4N और बाहर है 2, तो हो जाएगा C6H8N2, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास गिवन था, पहले तो मासेस का रेशो गिवन था, उससे मोल्स का रेशो निकाला, मोल्स के रेशो से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, एम्पेरिकल मास आ गया, फिर मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल मास से डिवाइड किया, एन की वैल्यू आई, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइम्स एन, है ना, तो वहाँ से हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया। सो करेक्ट आंसर बेटा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलिए, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।